वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल इंस्टीट्यूशनलोजी आप सभी का एक बार फिर स्वागत है दोस्तों जॉब जंक्शन और बड़ी खबर आपके लिए इंडियन कोस्ट गार्ड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी फॉर डिप्लोमा होल्डर्स टू जॉइन बाई टू थाउजेंड नाइनटीन बैच कोर्स कमेंसिंग इन अगस्तेंड नाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड ऑनलाइन फ्रॉम इलेवन टू ट्वेंटी दो हजार उन्नीस जी हाँ अगर आपने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और इंडियन कोस्ट गार्ड में जॉब करनी है और लगना चाहते हैं यांत्रिक तो जल्दी से अप्लाई कर दीजिए 11 से 21 फरवरी के बीच में तो पूरी जानकारी लेकर आपके लिए बने रहे हमारे यूट्यूब के साथ इंडियन कोस्ट गार्ड उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी ऑफर की है टू इंडियन मेल कैंडिडेट यानी भारतीय मेल कैंडिडेट्स को हैविंग डिप्लोमा जिनके पास डिप्लोमा है इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ यांत्रिक फॉर टू बाई दो बैच बिल्कुल अगर आपके पास इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन में पोस्ट ऑफ यांत्रिक जो बैच रहेगा दो बटा दो हज़ार उन्नीस उसके लिए बहुत बड़ा अवसर सिलेक्शन प्रोसीजर थ्रू थ्रूटन एंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट फॉलोड बाय मेडिकल एग्जाम तीन इसके स्टेप रहेंगे आपका सबसे पहला रिटर्न एग्जाम फिर फिजिकल एफिशियंसी और फिर रहेगा मेडिकल एग्जाम द रिक्रूटमेंट सेंटर आर एट मुंबई चेन्नई कोलकाता एंड नोएडा यानी चार जगहों पर आपके ये सेंटर रहेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो दोस्तों एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेट्रिकेशन और यानी उसके बराबर हो एंड डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन रेडियो और पावर इंजीनियरिंग ये आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए अप्रूव काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ए आईसीटी विद सिक्सटी परसेंट इन एग्रीगेट साठ परसेंट कम से कम मार्क्स होने चाहिए एस सी ओ एस टी के लिए पांच परसेंट की छूट है वहीं आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ नेशनल लेवल हु हैव ऑब्टेन फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजिशन यानी कि राष्ट्रीय स्तर के स्पोर्ट्स पर्सन

ओपन नेशनल चैंपियनशिप या इंटरस्टेड नेशनल इंटरस्टेट नेशनल चैंपियनशिप में भी पाँच परसेंट की छूट मिलेगी कोस्ट गार्ड के जो डिसीज पर्सनल हैं उनको भी ये छूट दी जाएगी क्वालिफाइंग परसेंटेज में भी इंक्रीज इफ़ मोर नंबर ऑफ एप्लीकेशन आर रिसीव्ड अगर ज्यादा एप्लीकेशन रिसीव होती हैं तो क्वालिफाइंग परसेंटेज बढ़ सकता है कैंडिडेट फ्रॉम ओपन स्कूल इंस्टीट्यूट नॉट रिकोगनाइज बाय द गवर्नमेंट आर नॉट एलिजिबल कोई भी ओपन स्कूल या इंस्टीट्यूट जो कि गवर्नमेंट से रिकोगनाइज नहीं है एलिजिबल नहीं होंगे एज कम से कम अठारह और ज्यादा से ज्यादा बत्तीस साल इसका मतलब एक अगस्त उन्नीस सौ सतानवे से इकतीस जुलाई दो हजार के बीच अपर एज इलेक्शन फॉर एस सी एस डी पांच साल और ओबीसी के लिए तीन साल एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड ऑनलाइन यानी ऑनलाइन ही आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगी ग्यारह से इक्कीस फरवरी पांच बजे तक कैंडिडेट ऑफिशियल वेबसाइट ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड डॉट जी ओ वी डॉट इन पर लॉग इन करके अपना ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं कुछ विशेष इंफॉर्मेशन और है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस Selection of candidates is based on the order of merit depending on their performance in written test, physical test, and fitness in the medical examination. In three criteria, per for aapka selection hoga. Use of mobile phones and any electronic gadget not permitted. Bilkul, hamisha hota The post Guard reserves the right to cancel, reconduct re the examination of a particular center or change the center of the candidate for administrative or other reasons. Merit declaration. फिट इन इनिशियल मेडिकल एक्जामेट सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट फॉर द फाइनल मेडिकल एट आई एन एस चिल्का तो आपका पहला जो मेडिकल एग्जामिनेशन का होगा उसका जो डिक्लेरेशन है वो जरूरी नहीं है कि जो आपका फाइनल मेडिकल हो आई एन एस चिल्का उससे पहले वो मान लिया जाएगी फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा लास्ट डेट एंड टाइम ऑफ ऑनलाइन अप्लीकेशन इक्कीस फरवरी दो हजार बजे तक फॉर डिटेल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड अर डिटेल्स विजिट डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट जॉइन इंडिया इंडियन कोस्ट गार्ड डॉट जी ओ वी डॉट इन एंड डाउनलोड द फुल एडवर्टाइजमेंट Disclaimer, the term and conditions given in the advertisements are subject to change and should therefore be treated as guidelines only. Details are also available on Indian Coast Guard websites. www.joinindiancoastguard.juvi.in Candidate to see Coast Guard recruitment website for updates. This is an indicative advertisement only. Question selection in Indian Coast Guard is fair and on merit basis. Candidate should not fall prey to unscrupulous person's पोजिंग एज रिक्रूटमेंट एजेंट फॉर कंप्लेट अगेंस्ट सच पर्सन एजेंट कैंडिडेट मस्ट अप्रोच द डायरेक्टर कोस्ट गार्ड हेडक्वार टेलीफोन नंबर वन फोर थ्री नाइन फाइव तो ये पूरी डिटेल थी अगर आपको हमारे चैनल पर दिखाई गई ये वीडियो ये जानकारी अच्छी लगी हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर दें पूरे भारतवर्ष में कहीं भी कोई जॉब की जानकारी निकलती है तो आपको सबसे पहले हमारे YouTube चैनल इंस्पिटल गुरु पर मिलती है तो प्लीज जॉइन आवर YouTube चैनल एंड सब्सक्राइब ऑल्सो प्रेस बेल आइकन सो दैट नोटिफिकेशन विल कम ऑन फर्स्ट प्रायरिटी टू यू नमस्कार